Hey guys, welcome back to the channel. So finally, आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लेने. कोविन पे इतने दिन ट्राई करने के बाद आज फाइनली हम लोग को स्लॉट मिल गया है. बट ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से हम लोग को स्लॉट नहीं मिला है. हमको स्लॉट कहाँ से मिला है वो निकिता आपको बताएगी. हाँ, सो गाइज, हमारी ऑफिस एक्चुअली, हमारी कंपनी एक्चुअली हमें वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है. सो आज हम ऑफिस जा रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं हम कि हमें फाइनली स्लॉट मिल गया. कोविन पे लिटरली वे आर ट्राइंग थ्राइज अ डे, बट कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे. एंड लकीली इनफ हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि सारे एम्प्लॉयज़ को वैक्सीनेट करेंगे. सो काफ़ी दिन बाद ऑफिस भी जा रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर से लॉकडाउन चल रहा था, तब से हमारा ऑफिस भी बंद था एंड वी आर वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ. वील सी यू एट द ऑफिस. सो हम लोगों ने कैब ले लिया है अभी और गाड़ी नहीं निकाली है, बिकॉज वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं एज पर स्टडी. सो कैब भी बहुत मुश्किल से मिली है एंड हमने कैब बोर्ड कर लिया है एंड लेट्स सी यू इन ऑफिस. फाइनली वी आर वैक्सीनेटेड एंड मैं शूट नहीं कर पाया दोनों का. लाइक मैंने अपना शूट किया बिकॉज कैमरा मेरे साथ था एंड बोथ आवर केबिन्स वर डिफरेंट, बट फाइनली वी आर वैक्सीनेटेड, वी गॉट आवर फर्स्ट डोज एंड राइट नाउ वी आर एट ऑफिस. या वी गॉट द कोविशील्ड वैक्सीन फर्स्ट डोज फॉर कोविशील्ड. So guys, as per the rule, we have to wait here for 30 minutes. Like we will be under observation, and if any complications are there, so there is a provision where there will be medical aid or checkup. So मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, and Nikita वहाँ बैठी है. She is sitting there. सो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग लाइक मेंटेन करनी पड़ती है. सो थोड़ा दूर दूर बैठे हुए हैं यहाँ पे एंड एज यू कैन सी पीपल आर सिटिंग हियर हु आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड. वी आर वेटिंग हियर फॉर 30 मिनट्स एंड आफ्टर दिस वी विल बी बैक ऑन आवर वे टू होम. सो सी यू गाइस लेटर. आई एम सिटिंग हियर at a different cubicle and Samantha is seated at a different cubicle as he showed you earlier. Arrangement here is quite good. We got some snacks with us. We'll be for around 30 minutes here. The arrangement here is quite good. They had separate rooms for both males and females and it was a proper arrangement. Like they did not experience any inconvenience as such. We'll see you later. Bye-bye. Sorry.
मुझे बिल्कुल हल्का सा पेन फील हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ ऐसा, और बहुत ही स्मूथ अरेंजमेंट है यहाँ पर, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि हमने आपको दिखाया, स्नैक्स भी प्रोवाइड किए थे उन्होंने, एंड प्रॉपरली लाइक उन्होंने 30 मिनट्स तक मॉनिटर किया हमें कि कोई हमें कुछ सिम्टम्स वगैरह तो नहीं आ रहे, और उसके बाद वी आर वेरी हैप्पी विद दिस एक्सपीरियंस। तो आज मैं मॉम को नहीं लाया, बिकॉज मॉम को फर्स्ट डोज लग चुका है, सो आई विल ब्रिंग हर फॉर द सेकेंड डोज हियर, एंड उसके बाद फिर एक दूसरा व्लॉग बनाएंगे। गाइस, वी गॉट मास्क, लाइक गुडीज कलेक्शन का काउंटर था, सो एक एक मास्क मिला है एंड स्नैक्स के अलावा। सो अभी तक कोई भी कैब बुक नहीं हो पाई है, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट अब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी ले आनी चाहिए थी घर से, क्योंकि देयर आर नो कैब्स अवेलेबल, उबर और ओला दोनों में भी बिल्कुल भी कैब्स अवेलेबल नहीं है। इवन जिस बंदे ने हमें यहाँ ड्रॉप किया था, ही प्रोवाइडेड अस विद एन ऑप्शन दैट ही विल वेट हियर, बट हम लोग को लगा कि कैब आसानी से मिल जाएगी, सो हमने उसको जाने बोल दिया। हाँ, और वैसे हमें पता भी था कि हमें 30 मिनट्स वेट करना है, और वो वेट करने को रेडी नहीं था ड्राइवर, तो हमने उसको बोला कि आप चले जाइए। तो लेट्स सी, वी आर जस्ट ट्राइंग, अभी जो भी मिले ऑटो कैब बस घर जाना, कुछ भी मिल जाए पकड़ लेंगे। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। Bye. So finally कैब मिली नहीं, तो ऑटो लेना पड़ा, हम लोग को ऊबर से ले लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ रहे हैं, बट फिर भी अब घर तो पहुंचना ही है। बट नेक्स्ट टाइम से अब ऐसा जब भी होगा लॉकडाउन में निकलना होगा, गाड़ी लेके तो आना पड़ेगा। आज मैंने जानबूझ के गाड़ी छोड़ दी, बट हॉस्पिटल ले आना चाहिए। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है गाड़ियों की, अभी फाइनली हमें ऑटो मिल गया, ऑटो भी हमने 3 या 4 बार ट्राई करने के बाद बुक किया, बट इट्स अ रिलीफ टू बी बैक टू रिटर्न, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ट्राई कर रहे थे और फाइनली अब हमें फर्स्ट डोज मिल चुका है। तो 3 महीने के लिए टेंशन फ्री हो गए, 3 महीने के बाद अब आराम से आके ऑफिस में ले लेंगे, स्लॉट्स के लिए मारा मारी नहीं करनी पड़ेगी, तो दैट्स अ बिग रिलीफ। और गाइस, अभी भी बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन हैं, तो प्लीज़ रेफर टू आर अर्लियर ब्लॉग, विल लिंक इट हियर, सो आप उसको देख सकते हैं, और जो भी आपके मिथ्स हैं, जो भी सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन मुझे लेना चाहिए या नहीं, अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ सी दैट ब्लॉग, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो गाइज, अब हम घर वापस आ चुके हैं, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए मुझे तो अभी तक, और बस दांतों को भी पेन के अलावा और कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुए। तो अभी हम एक्चुअली छत पे हैं हमारे, तो काफ़ी अच्छा वेदर है यहाँ पे, तो हमने सोचा कि हम टेरेस पे जाके व्लॉग करें और आपको बताएं कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा वैक्सीनेशन का। जाते जाते बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, सो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी क्लाउडी वेदर सा हो गया है, सो टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया पहले से। बाय द वे, जस्ट सो यू गाइज नो, हम एक्चुअली अमेजोन ऑफिस गए थे, सो वी बोथ वर्क फॉर अमेजोन, तो हमने सोचा कि वहीं पे जाके अवेल कर ले वैक्सीनेशन का, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था। उन लोगों ने एक्चुअली हमें गुडीज़ भी दिए हैं, आप देख सकते हो, ये एक मास्क दिया है, लेट मी जस्ट अनपैक एंड शो यू। सो इस पैकेट के अंदर एक मास्क और एक बैच भी है, दिस इज़ अ क्यूट लिटिल बैच, इफ़ यू कैन सी दिस वन, this says vaccinated and this is a very cute little badge. इसके साथ इन्होंने हमें ये भी mask भी provide किया है, ये mask पे भी लिखा हुआ है vaccinated, and it's a pretty cool mask, मतलब double layer mask है ये, तो काफ़ी durable भी है, और हम obviously इसको wash करके भी दोबारा से use कर सकते हैं। कंफर्टेबल तो लग रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा thick भी नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है ये, तो ऑब्वियसली काफ़ी ये होगा, मतलब यूजर फ्रेंडली है, कुछ भी स्किन पे रिएक्शन एंड ऑल नहीं होगा, तो अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो,
आज का हम जो वैक्सीन लेने गए वो हमने पूरा ब्लॉक किया. सो वी होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी एंड आप लोग भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट होंगे अगर आप अभी तक नहीं हुए तो. एंड प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड टेल अस अगर आप में से किसी ने भी वैक्सीन लिए हैं अभी तक तो आपको क्या साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस हुए, बिकॉज दिस इज स्टिल आवर फर्स्ट डे. तो हम वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द इफेक्ट्स टू ट्रिगर इन. शेयर दिस व्लॉग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ताकि उनको भी अवेयरनेस हो वैक्सीनेशन के बारे में. एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड. सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को यार, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज स्टे सेफ. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.